गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मेकअप हैक्स। जी हाँ, ये समर मेकअप हैक्स है जो कि DIY तरीकों से बनाया गया है, आपको बेहद ही पसंद आने वाला है। कि इस DIY मेकअप हैक्स ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल सा लुक लग रहा है और ये बहुत ही नेचुरल सा ग्लो आपको प्रोवाइड करेगा। ये हैक्स आपको तब काम आएगा जब आपको बहुत जल्दी हो जाने की, आप जाना चाह रहे हो कहीं और आपको इतना सारा सब कुछ नहीं करना है, फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना है और कंसीलर अप्लाई नहीं करना है, तो आप ये इजी पीजी सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे मेरी आईडी आपको दिख रही होगी, सो आप मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे भर भर के लाइक दीजिएगा। सो या और बताइएगा आपको ये मेरा नया बैकग्राउंड कैसा लगा आप लोगों को, तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, लेट्स बिगिन। सो गाइज, यहाँ पे मैं हैक नंबर 1 बता रही हूँ। सबसे पहले आपको मेकअप में लगाना होता है प्राइमर, तो अगर आपके पास कोई प्राइमर नहीं हो तो आप एज अ प्राइमर एलोवेरा जेल को लगा सकते हैं। आपके पास एलोवेरा जेल तो मिल ही जाएगा, मोस्टली सबके पास रहता ही है, और ये सूथिंग का भी काम करता है, प्लस आपको यूवी रेस से भी बचाता है, तो ये बहुत ही अच्छा प्राइमर जैसा वर्क करता है, तो आप इसको एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह से जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आपको कुछ इसी तरह से लगाना है और ये आपको मॉइस्चराइज भी, आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी रखेगा। सो ये है मेरा हैक नंबर 1। सो हैक नंबर 2 में अगर आपको जो है प्राइमर चाहिए जो कि DIY तरीकों से बनाया गया है, तो उसके लिए आपको चाहिए मॉइस्चराइजर। आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं और उसके अंदर आप जो है एलोवेरा मिला सकते हैं। एलोवेरा तो आपके पास मिल ही जाएगा और दोनों को मिक्स कर दीजिए कुछ इस तरह से, तो ये जो है प्राइमर की कंसिस्टेंसी में हो जाएगा, जेल कंसिस्टेंसी में। तो आप इसको एज अ प्राइमर लगा सकते हैं, एज अ मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, तो ये 2-in-1 वर्क करेगा। और आपको इसमें मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने एलोवेरा एंड मॉइस्चराइजर दोनों को मिक्स करके लगाया है एज अ प्राइमर, तो ये एज अ प्राइमर भी वर्क करेगा आपके फेस पे और मॉइस्चराइजर भी प्रोवाइड करेगा आपके स्किन को। सो ये 2-in-1 वर्क करेगा। तो ये था मेरा हैक नंबर 2। बढ़ते हैं हैक नंबर 3 की तरफ। अगर आपके पास कोई फाउंडेशन या बीबी क्रीम या सीसी क्रीम नहीं है तो आप उसको होममेड तरीकों से कैसे बना सकते हैं बीबी क्रीम, तो उसके लिए फिर आपको अगेन मॉइस्चराइजर चाहिए। और इसके बाद अगर आपके पास कोई लूज़ पाउडर हो या कॉम्पैक्ट हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने ब्लू हेवन का ट्रांसलूज पाउडर यूज़ किया है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको लेना है। और ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, लूज़ पाउडर है, और तो ये आपको जो है एक बीबी क्रीम की तरह वर्क करेगा। अभी अगर आपको इसमें थोड़ा सा अपने फेस को थोड़ा ग्लोई डुई दिखाना है तो इसमें आप थोड़ा सा फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास प्लम का था तो मैंने 2 ड्रॉप्स इसमें प्लम के फेशियल ऑयल यूज़ कर लिया। इससे आपका फेस काफ़ी ग्लोई एंड डुई दिखेगा, एकदम से जो है मैट जो फिनिश आती है वो नहीं, एकदम ग्लोई डुई सा लुक दिखेगा आपका। तो इसको आपको तीनों इन्ग्रीडियंट्स को मिक्स कर देना है। इसके बाद इसको आपको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है कुछ इस तरह से। सो इसको लगाने से पहले आपको एक बार फिर से मिक्स करना। आप चाहे तो इसको कंटेनर में भी बना के रख सकते हैं, बट जो है मैं आपको बता रही थी मेरे फ्रेश बना के दिखाया आपको, इसलिए मैंने कंटेनर में नहीं बनाया क्योंकि ये DIY है, तो जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं बस इतना ही बना लेती हूँ, मैं बना के रखती नहीं हूँ। अगर आप चाहें तो बना के रख भी सकते हैं और इसको आप डॉट डॉट करके लगाएंगे कुछ इस तरह से, और ये बहुत ईजली आपके जो है फिंगर से ही ब्लेंड हो जाएगा और ये ब्रश से भी ब्लेंड हो जाएगा। तो मैं अभी आपको फिंगर से ब्लेंड करके दिखाऊंगी, देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी तरह से मेरी स्किन में ये ब्लेंड हो गया क्योंकि इसमें जो है ट्रांसलूज पाउडर है,
कॉम्पैक्ट, तो इसमें आपको जो है अपना बीबी क्रीम सेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। कॉम्पैक्ट पाउडर से देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने ब्रश का भी यूज़ किया है, बहुत ही ईजिली आपके फेस में सेट हो गया। तो यहाँ पे आपको कोई भी कॉम्पैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये बीबी क्रीम कैसा लगा। अगर आप जो है अपने डार्क सर्कल को थोड़ा सा, आपका डार्क सर्कल विजिबल हो रहा है तो आप इसको थोड़ा सा और लेकर, क्योंकि ये हाई कवरेज नहीं देता लेकिन हाँ एज अ बीबी क्रीम वर्क कर सकता है, आप इसको डेली बेस पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो है आपको हैवी लुक नहीं देगा, ये बहुत नेचुरल लुक प्रोवाइड करेगा, तो मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं हैक नंबर 4 की तरफ। अगर आपके पास कोई जो है आईब्रो पेंसिल नहीं है, या फिर जो है आप अपने आईब्रो को ज़्यादा फिल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मेकअप करते समय ही जो है आईब्रो को ज़्यादा डिफाइन करना पड़ता है, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अपना मस्कारा। तो ये बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड करेगा, आप देखेंगे बहुत नेचुरल सा लुक लगेगा, और ये स्पेशली टीनेजर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर वो जैसे ज़्यादा वो मेकअप नहीं करना चाहती, बहुत नेचुरल लुक रखना चाहती हैं, तो वो ऐसा कर सकती हैं, अपने मस्कारा को अपने आईब्रो पे यूज़ कर सकती हैं। सो बढ़ती हूँ हैक नंबर 5 की तरफ। अगर आपके आईब्रो बहुत थिक हैं और आप उसको जो है सेट नहीं करना चाह रही हैं, लेकिन फिर भी आपके आईब्रो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे हैं, मतलब उसको आप वैक्स करना चाह रही हैं एज इट इज़, वो एक ही जगह पे टिका रहे, उसके लिए आपको चाहिए सोप। उसके अंदर आप अपना स्पूली लीजिए और उस सोप के से आप जो है उसको थोड़ा सा रब कीजिए और उससे अपने आईब्रो को सेट कीजिए। यकीन मानिए गाइस, आपका पूरा डे जो है आईब्रो इधर से उधर नहीं होगा, एक ही जगह सेट हो जाएगा। ये वैक्स का काम करता है, तो ये बहुत ही अच्छा हैक है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये हैक कैसे लगा। सो बढ़ती हूँ हैक नंबर 6 की तरफ, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, अगर आपके पास मस्कारा ऐसा सूख जाता है जो कि बहुत किसी काम में नहीं आता, तो उसके लिए मेरे पास एक हैक है। तो आप ले सकते हैं अपना कोई सा भी आईलाइनर और उसको अपने स्पूली में ले लीजिए और उसको एज अ मस्कारा भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वर्क करता है और बहुत ही नेचुरल लुक प्रोवाइड करता है। अगर आप इसको यहाँ पे आप चाहें तो वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने जो है आईलाइनर यूज़ किया है, जिससे क्या मुझे थोड़ा सा कलर भी मिल रहा है और एज अ सेम टाइम जो है मेरी फॉल्स आईलेसेस थोड़ी सी बड़ी भी दिख रही हैं, तो मुझे ये हैक बहुत अच्छा लगा। बढ़ते हैं हैक नंबर 7 की तरफ। बात हो रही DIY की, अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो उसके लिए मेरे पास आइडिया है। आप जो है जिसे आपने एज अ प्राइमर यूज़ किया था, आपने एलोवेरा जेल एंड मॉइस्चराइज़र को, उसको आप एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह आप चाहें तो जो है वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं, बट सेम टाइम अभी गर्मी चल रही है, समर का सीज़न है, तो बहुत चिपचिपी सी स्किन हो जाएगी, दैट्स वाई आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं हैक नंबर 8 की तरफ। तो उसके लिए मेरे पास है ब्लश लगाने के लिए, अगर आपके पास कोई ब्लशर नहीं है तो आप अपनी लिपस्टिक को एज अ ब्लश यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने बहुत बार बताया और मैंने खुद अपनी वीडियो में इसको यूज़ किया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट मुझे जो है वेक्ट ब्लशर से अच्छा लिपस्टिक वाला बहुत अच्छा लगता है, इससे आपको बहुत ही नेचुरल ग्लो प्रोवाइड होता है, ऐसा लगता है जैसे बहुत ग्लोई डूई सा लग रहा है, जैसा कि आपने पहले जो है हाइलाइटर लगाया जो कि शीरम वाला है, तो उसके ऊपर अगर आप ये लिपस्टिक वाला यूज़ करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। सो बढ़ते हैं हैक नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे लिपस्टिक के लिए मेरे पास है आई शैडो पैलेट। जी हाँ, आई शैडो पैलेट तो सबके पास होगा और इसमें बहुत सारे शेड होते हैं, तो उसको लगाने का हैक ये है कि आप अपने लिप पे वैसलीन लगा लीजिए या लिप बाम लगा लीजिए। इसके बाद आपको जो भी शेड चाहिए उस शेड पे अपना फिंगर डिप कीजिए और उसको अपने लिप पे डिपॉजिट कीजिए,
थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बहुत ही अच्छा कलर आएगा। आप देखिए यहाँ पे मैंने आई शेडो से जो है अपना लिपस्टिक तैयार किया है, मुझे बहुत पसंद आया और इन फ्यूचर मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे शेड मिल जाते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, देख सकते हैं आप कितना नेचुरल सा लिपस्टिक का शेड लग रहा है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा ग्लोई सा लग रहा है तो इसको मैट बनाने के लिए मैं यहाँ पे हैक यूज़ करूँगी, कॉम्पैक्ट सबके पास मिल जाएगा। थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लीजिए और अपने हो लिप पे उसको डिप कीजिए, देन आप देख सकते हैं बहुत ही मैटिफाई सा लुक आ रहा है। सो बढ़ती हूँ हैक नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे मेरा पूरा मेकअप हो गया है कंप्लीट। तो पूरे मेकअप बेस को सेट करने के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एक बोतल, इसके अंदर जो है फिक्सर बोतल है ये। आप ऐसी बोतल को फेंका ना करें, अगर आप जो है इसको DIY में बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने वाटर लिया है एंड इसके अंदर मैंने मिक्स किया एलोवेरा जेल एंड दोनों को मिक्स करके सेक कर लिया। अब मैं इसको एज अ मेकअप फिक्सर यूज़ करूँगी, बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है गाइज। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मेरा फाइनल लुक। सो गाइज आप देख सकते हैं ये मेरा नेचुरल DIY मेकअप हैक्स रेडी है। सो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा झमेला नहीं किया है, बिल्कुल इजी पीजी सा मैंने तैयार किया है। आई होप आपको ये मेकअप लुक समझ में आया होगा, पसंद आया होगा ये हैक, क्योंकि ये बहुत जल्दी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं और इसको इजीली आप लगा सकते हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।